चावल रात का बचा हुआ है इतना सारा, तो हम इसको ना फ्राई करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने क्या क्या कट कर लिया है, दो मिर्ची, एक प्याज है, दो टमाटर है और धनिया पत्ता है। तो हम कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। हम सादा सिंपल इसको फ्राई करेंगे जल्दी झटपट खाने के लिए, क्योंकि हमें भूख लगी है और चावल बना के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रात का चावल है तो हम वेस्ट नहीं करते, तो इसे हम फ्राई करके खाएंगे। इसके लिए हम ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, बस थोड़ा सा मसाले में फ्राई करके खाना है। हम खाते हैं राई का तेल, तो मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें राई का तेल। देखिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हम उतना चावल ज़्यादा है तो थोड़ा डालें, मतलब ज़्यादा भी नहीं डालें। तो अब इसमें डालेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए हम इतना सराई और इतना जीरा भी है, अब इसको हम डाल देंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें आप ऊपर से और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि लहसुन हो गया, कड़ी पत्ता हो गया। तो हमारे पास अभी कड़ी पत्ता तो है नहीं और लहसुन हमें अभी नहीं डालना है, क्योंकि जब तक बनाना है हमें तो इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये देखिए अभी हमारा ये हो गया है, मतलब तो पूरा फूट चुका है, उसको जलाना नहीं है, बस अभी हम मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा ब्राउन हो गया मिर्ची, उसके बाद हम कांदा मतलब प्याज डालेंगे, इसको भी ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स हमारा प्याज हो गया गोल्डन ब्राउन और इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर पकना जरूरी है, टमाटर डाल देंगे इसमें। अभी टमाटर को पकने देते हैं और तब तक हम इधर अपना पानी कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा चावल, चावल को ना ऐसे अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि ये चिपका हुआ है। चावल को अलग अलग कर लेते हैं, तो हम अलग मतलब ऐसे तोड़ लेंगे ना, तो ये अच्छे से इसमें मसाला मिलेगा मिक्सेगा और अच्छे से भुनाएगा, क्योंकि इसमें अगर ये ढीला भी निकल रहेगा ना तो फिर इसमें मसाला मिल जाएगा और वो कच्चा कच्चा लगेगा, मतलब कुछ अलग ही लगेगा। फिर ये हमको इस तरह से उसको निकाल लेते हैं, इतना अच्छा हो गया चाहिए, मतलब अलग अलग सब एक ही में चिपका हो गया। ये देख सकते हैं, तो हम देख लेते हैं हमारा पक्का है या नहीं। हमारा अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और हम पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा टमाटर पक चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी आधा चम्मच, और ये मिक्स वाला मसाला है, मतलब इसमें सब मिला हुआ है, तो उसको हम डाल देते हैं और अच्छे से इसको थोड़ा भून लेंगे 2 मिनट तक। ये हमारा हो गया,
और ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि ये ना जल जाएगा, और जल जाएगा मसाला तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। और अब हमें डालना है धनिया पत्ता, और इसको फिर से 2 मिनट पकाना है क्योंकि हमें चावल पकाना नहीं, बस ये उबाल के फ्राई करना है। और वो कच्चा रह जाएगा तो फिर इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। उसके लिए ले लीजिए, तो हम धीमी आँच कर लेंगे। और हमारा ये रेडी हो चुका है मसाला, तो इसलिए ना और हम चावल डालेंगे। तो देखिए वैसे सबको डाल के मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसमें भर गया है, और आराम आराम से हम इसे मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा हो गया है रेडी, और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। पहले गैस बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, ये कितना मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए और हमें बताइए कैसा बना है। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।